हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टीच टॉपिक नंबर वर्क। उसमें सब टॉपिक है द डिफरेंट ब्रेकअप ऑफ ए नंबर। डिफरेंट ब्रेकअप ऑफ ए नंबर, किसी भी एकाधि नंबर का आपको जो भी नंबर दिए जाते उस नंबर का आपको ब्रेकअप कैसे करना है, तो वो थ्री टाइप से ब्रेकअप होता है। आपको पेज नंबर 13 ओपन करना है। पेज नंबर 13 में आपको ब्रेकअप कैसे किया जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम दिए है, तो हम पहला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें आपको जैसे कि नंबर दिया है 125, आपको ब्रेकअप कैसे करना है। पहले आप सीधी सीधी इसको रीडिंग कैसे करेंगे, 100 एंड 25। इस तरह आप इस नंबर को इस तरह आप सीधे सीधे रीडिंग कर सकते हो। इसका अगर ब्रेकअप करना है आपको तो ये टाइप से आप ब्रेकअप कर सकते हो। इसको हम 12 टेंस बोल सकते हैं, ये नंबर को 12 टेंस एंड यूनिट क्या है, 5 है, तो हम इसको 12 टेंस एंड 5 यूनिट, इस तरह आप इसको ब्रेकअप कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर आपको और एक टाइप से और बताते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको 100 बोल सकते हैं। ओके, 100 इसको एक्सपांडेड फॉर्म जैसे हम लिखते हैं वैसे, तो इसको हम लिखेंगे 100 टू टेंस एंड 5 यूनिट, इस तरह आप इसको ब्रेकअप कर सकते हो। ओके, तो ये तीन टाइप से आपको यहाँ पे ब्रेकअप करके मिला है ये नंबर। तो ये किसी भी नंबर का आपको ब्रेकअप करना है तो ये थ्री टाइप से आप ब्रेकअप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल है 4083। अगर ये 1000 नंबर है, ये 1000 नंबर का अगर ब्रेकअप करना है तो आप इसको सीधे सीधे सिंपल तरीके से आप रीडिंग कर सकते हो। इसको रीडिंग करते समय 4000 and 83, ये हो गया ब्रेकअप ये पहले नंबर का जो हम सीधे सीधे रीडिंग किया है हमने। सेकंड इसमें हम ब्रेकअप कर सकते हैं, इसको अनदर ब्रेकअप। इसको हम ये 3 नंबर लेते हैं, जैसे कि 4, इसी को हम क्या करेंगे अभी ये 3 नंबर में लेंगे, जैसे कि 408 टेंस, इसको क्या लिखेंगे हम 408 टेंस, और यूनिट आपके पास क्या बचा है एंड 3 यूनिट, तो इस तरह ये सेकंड ब्रेकअप हो गया। थर्ड ब्रेकअप हम यहाँ पे कर सकते हैं 400, थर्ड ब्रेकअप हम लेंगे, थर्ड ब्रेकअप हम लेंगे 40, 100, 8, 8 टेंस एंड 3 यूनिट, इस तरह हम किसी भी नंबर का यानी कोई भी नंबर का आप ब्रेकअप इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो आपको पेज नंबर 13 पे ओपन करना है। पेज नंबर 13 पे आपको एक्सरसाइज दी है, उसमें आपको इस तरह से ब्रेकअप करके दिया है, तो वो आपको अच्छी तरह से रीडिंग करना है। और एक्सरसाइज कितनी एक्सरसाइज आपको नंबर दिया नहीं पर 13 पेज नंबर पे एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि नेक्स्ट इसमें आपको एक टॉपिक है छोटा सा, ये टॉपिक हम बदल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है द नंबर जस्ट बिफोर एंड
आफ्टर गिवन नंबर, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। द नंबर जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अ गिवन नंबर एंड आफ्टर अ गिवन नंबर। अभी ये टॉपिक आपको, ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसी में से ही है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टॉपिक है आपको। तो आपको क्या करना है कि नंबर जस्ट बिफोर नंबर लिखना है और नेक्स्ट नंबर लिखना है। जैसे कि आपको बिफोर नंबर लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पे 121। ये नंबर आपको जस्ट बिफोर, आपको इसके पहले जस्ट बिफोर नंबर अगर लिखना है तो 1 माइनस करना पड़ता है, और जस्ट आफ्टर अगर लिखना है तो इसमें प्लस 1 करना पड़ता है। जैसे कि जस्ट बिफोर नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस होके 120 हो जाएगा। इसका ही अगर बिफोर नंबर लिखते हैं तो इसको बिफोर नंबर क्या हो जाएगा, इसका बिफोर नंबर हो जाएगा, ये है बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर हो जाएगा इसका 121 का आफ्टर नंबर हो जाएगा 122। इस तरह आप किसी भी नंबर का बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर यहाँ पे ले सकते हो। पेज नंबर 14 पे आपको ये देखना है, पेज नंबर 14 पे कुछ नंबर दिए हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर्स लेंगे, इसमें पहला नंबर है और एग्जांपल के आधार पर एक नंबर लिया है, इसमें 2999। तो आपको कुछ कॉलम दिए हैं वहाँ पे, तो जस्ट बिफोर नंबर लेना है। तो यहाँ पे पहले हम जस्ट बिफोर नंबर लेंगे और यहाँ पे हम जस्ट आफ्टर नंबर लेंगे, ओके, जस्ट आफ्टर नंबर लेंगे। तो ये दोनों नंबर, ये 2999 है, इसका इसमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिफोर नंबर लेते समय आपको 1 माइनस करना है और जस्ट आफ्टर नंबर लेते समय आपको उसमें प्लस करना है। तो बिफोर नंबर अगर लेते हैं तो हम 2999 माइनस 1 करते हैं, तो 9 माइनस 1 8, यहाँ पे 9 माइनस 1 8 और यहाँ पे 9 माइनस 1 8, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 99 2000। तो यह जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आएगा, जस्ट बिफोर नंबर आएगा 2998। बिल्कुल आपको क्या करना है, 1 नंबर सिर्फ आपको माइनस करना है, इसको माइनस किया हमने तो आया है 2998। जस्ट आफ्टर नंबर अगर लेना है तो किसके आफ्टर लेना है, 2999 के जस्ट आफ्टर अगर, तो इसमें 1 क्या करेंगे, हम प्लस करते हैं, तो अगर प्लस करते हैं तो 9 प्लस 1 10, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 3, तो कौन सा नंबर आएगा जस्ट आफ्टर 3000। इस तरह आप नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट एक आधी प्रॉब्लम और लेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज, आपको नेक्स्ट इसके बाद में जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करना है। 14 नंबर पेज पे आपको एक्सरसाइज दी है। एक प्रॉब्लम और एक लेंगे, थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड, इसके बिफोर नंबर अगर लेते हैं तो आपको माइनस करना है, माइनस 1 बिफोर नंबर, करते समय क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे,
तो वन माइनस करते हैं तो यहाँ पे नाइन आते हैं, यहाँ पे वन माइनस, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे वन माइनस करते हैं तो सेवन, यहाँ पे वन माइनस करते हैं तो थ्री, मतलब कौन सा नंबर आएगा 3799। तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर लेना है 3799, ये हो गया बिफोर नंबर। इसमें अगर प्लस करते हैं तो ये देखो यहाँ पे इसको अगर प्लस करते हैं तो 3800 हो जाएंगे। इसको अगर जस्ट आफ्टर नंबर लिखना है तो वन क्या करना है आपको, प्लस करना है। प्लस करते समय क्या करना है, कोई भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम नंबर लिखो 0 और 1, ये हो गया 3801। तो ये हो गया जस्ट आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर। इसे आप एक्सरसाइज सॉल्व करो और आपको दिए कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं वो भी आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, और आपको कुछ 2 दिन के बाद इस पर टेस्ट दी जाएगी, वो टेस्ट सॉल्व करना है आपको। तो ओके, थैंक यू। तो आपको इसी में आपको नेक्स्ट सब टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है। तो हम क्या करेंगे अभी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, पहले ये देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं, वो नंबर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या करते हैं पहले लेते हैं। तो यानी दो कुछ वो जो नंबर होते हैं उसमें कंपैरिजन करते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी असेंडिंग ऑर्डर लगाते समय सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लेंगे। आपके पास नंबर दिए है, समझो हमारे पास नंबर है यहाँ पे, पहला नंबर है 6200। सपोज आप रुपीज़ लिख सकते हो या कुछ भी नहीं भी लिख सकते हो, तो ये सीधा सीधा नंबर लिखा 6200। दूसरा नंबर है आपके पास 3980, और नेक्स्ट नंबर आपके पास है, ये दो नंबर और एक नंबर है आपके पास 4750। तो आपके पास ये तीन नंबर दिए हैं, आपको इसको कंपैरिजन करना है असेंडिंग ऑर्डर लगाते समय आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे इस तीनों नंबर में से हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो आपको यहाँ पे जो दिया है 1000 प्लेस पे, सभी यहाँ पे 1000 नंबर्स है। तो यहाँ पे पहले 1000 प्लेस पे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो आपको यहाँ पे पता चला होगा कि कौन सा नंबर बिगेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार आपके पास 3 है, मतलब 3980 ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हम यहाँ पे 3980 ये वाला नंबर लिखते हैं। बाद में हम इससे बड़ा नंबर जो नंबर है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4750 ये नंबर हो गया बिगेस्ट नंबर यानि। और लास्ट में यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट नंबर लिया जाता है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा, अभी सबसे बिगेस्ट नंबर है ये 6200। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑर्डर, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर पे हमने लगाया, असेंडिंग ऑर्डर में लगे ये नंबर, ये जो नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में लग गए। इसी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर अगर करना है तो ये नंबर आप उसको बिल्कुल अपोजिट लिखना है आपको, बाकी कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट नंबर पहले लेना है। बिगेस्ट नंबर यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे मैं एक नंबर ये लिख लिया, लिख लेता डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करते समय, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते समय आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बिगेस्ट नंबर पहले लेना है। तो बिगेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 6200, तो हमने यहाँ पे 6200 लिया। अभी आपको ये यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डालना है, तो ये ग्रेटर देन का हमने यहाँ पे साइन डाला। इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है ये 4750। आपको यहाँ पे 3 नंबर दिए इसलिए आपको 3 नंबर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंटर वाला नंबर कहीं भी नहीं बदलेगा, वो जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। इसके बाद में नंबर है लास्ट नंबर 3980। इस तरह आप किसी भी नंबर का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर को लगा सकते हो। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। इसमें पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज दी है, तो पेज नंबर 15 की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। उसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक आधी प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 15 नंबर पेज पे हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। पेज नंबर 15 में एक्सरसाइज दिए है, राइट द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2345। कभी कभी कुछ नंबर सेम रहते हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दिया है 2349 और तीसरा नंबर दिया है 2347। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर आपको कंपेयर करना है पहले देखना है कि कंपेयर करते समय सेम नंबर आपको छोड़ देना है, सेम नंबर पर ध्यान में रखना है पहले। सेम नंबर कौन से है देखो, यहाँ पे 1000 प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 1000 प्लेस पे यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये नंबर आपको छोड़ देना है, नेक्स्ट नंबर लेना है। अभी उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 100 प्लेस पे है, ये 300 है, यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है, तो इससे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। बाद में आपको 10 प्लेस पे आपको यहाँ पे 4 दिए है, यहाँ पे भी 4 दिए है और यहाँ पे भी 4 दिए है, तो यहाँ पे भी आप इसमें कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बिगेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर। अभी लास्ट नंबर आपका बचा है यूनिट प्लेस का, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे है 7। तो ये नंबर को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लगाते समय क्या करते हैं कि पहले ग्रेटेस्ट नंबर, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला नंबर है, मतलब 5 है, तो 5, नेक्स्ट है 7 यहाँ पे और 9। तो इस तरह हमने ग्रेटेस्ट नंबर सिर्फ कौन से नंबर का लगाया, जो यूनिट प्लेस का जो डिफरेंट डिजिट है उसी का लगाया। बाकी के डिजिट देखो तीनों इसमें नंबर में आपको सेम दिखाई दे रहे, इसलिए हमने क्या किया, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसी को ही हमने क्या किया, उसी को ही हमने अरेंज किया। तो पहले हमने ये तीनों नंबर अरेंज किया, मतलब अभी क्या करना है आपको कि ये 5 हमने कहाँ से लिया है, ये नंबर से लिया है, इसलिए पहला नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा 2345, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर आपके पास दिया है 7 नंबर, इसके बाद का बिगेस्ट नंबर है 7, तो 2347 ये हो गया इससे बिगेस्ट नंबर। और लास्ट नंबर आपको दिया है यहाँ पे 2349,
इस तरह इस नंबर का आपने असेंडिंग ऑर्डर लगाया। अभी असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते समय उसको बिल्कुल अपोजिट करना है कि जो नंबर आपको लास्ट दिया है वो आपको फर्स्ट लिखना है, और जो फर्स्ट नंबर दिया है वो लास्ट लिखना है, और सेंटर में दिया है वो नंबर कहीं भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री नंबर दिए है इसलिए यहाँ पे सेंटर का नंबर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। अभी आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ पे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट नंबर पहले लिया जाता है, तो हम यहाँ पे 23,049 ये बिगेस्ट नंबर हमने पहले लिया है, बिगेस्ट नंबर। बाद में उससे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 2,347, उससे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 2,345। इस तरह हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये तीनों नंबर लगाए। इस वीडियो में हमने तीन टॉपिक्स देखे थे। पहला टॉपिक है हमारे पास, पहला है द डिफरेंट ब्रेकअप ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का ब्रेकअप करना है तो वो तीन टाइप से ब्रेकअप किया जाता है, तो वो मैंने आपको करके बताया। और नेक्स्ट टॉपिक लिया है हमने द नंबर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, तो वो भी मैंने आपको बताया कि बिफोर नंबर कैसे लिया जाता है। बिफोर नंबर में जो नंबर दिया जाता है उससे वन माइनस किया जाता है, आफ्टर नंबर में जो नंबर आपको दिया है, जो एग्जांपल दिया है उसमें आपको प्लस वन करना है तो आपको आफ्टर नंबर मिल जाएगा। तो पेज नंबर 14 पे आपको जस्ट बिफोर के प्रॉब्लम दिए वो सॉल्व करना है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट वाला हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें आपको क्या करना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से वो नंबर लगाना है, जैसे कि मैंने कुछ प्रॉब्लम आपको करके बताए। अभी आपको एक्सरसाइज 15 नंबर की, 14 नंबर की, और उसके पहले है हमारे पास 13 नंबर की, 13 14 और 15 नंबर पे पेज नंबर पे जो एक्सरसाइज आपको दी है वो आपको नोटबुक में लिखना है, और वो आपको फोटो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है ताकि हम उसे चेक कर सकें। सभी के नोटबुक चेक हो जाएंगे और सभी को एक दो दिन के बाद टेस्ट मिल जाएंगे, वो टेस्ट भी आपको सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको समझा नहीं तो वो मुझे व्हाट्सएप करके एक प्रॉब्लम समझा बोल सकते हैं, या कुछ भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।